तो फिलहाल दोस्तों आपके सामने है ऑल न्यू 2024 वाला HF Deluxe का नया मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार आपको ग्राफिक्स मिल रहे हैं। बाकी HF Deluxe की ब्रांडिंग भी आपको 3D में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस नए मॉडल के बारे में, जो कि आपको स्पेशली देखने को मिल रहा है इस नए साल में, नए डिज़ाइन के साथ में नए ऑफर कर रहा है आपको ग्राफिक्स। यहाँ पर काफ़ी शानदार दिखने वाले ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और यही नहीं साथ में ये मॉडल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके बारे में बात करते थे। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफिक्स मिलने वाले हैं, काफ़ी शानदार से, जैसे कि आप टैंक के ऊपर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और साथ ही HF Deluxe की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको 3D में मिलने वाली है, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगती है। बाकी बात करें इस गाड़ी की, तो ये ऑल ब्लैक थीम के साथ में आपको देखने को मिलेगी इस नए मॉडल के साथ में। और साथ ही एक और चीज़ काफ़ी बढ़िया कर दी है कंपनी ने इस नए साल में, यहाँ पर आपको अब ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहे हैं HF Deluxe में, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और साथ ही C8 के टायर है इसमें, तो और भी काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है ये। बाकी ग्राफिक्स पीछे भी आपको काउल के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, बाकी रियर डिज़ाइन सेम ही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो टायर है वो जैसे आपको पहले स्प्लेंडर में देखने को मिल रहे थे, सेम वैसे ही आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहे हैं C8 के। 80x100 के टायर मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। पहले आपको इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते थे, पहले ट्यूब वाला टायर मिलते थे तो वो काफ़ी चीप लगते थे, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पैनल दिख रहा है आपको, ये पहले से इम्प्रूव कर दिया है। यहाँ पर जैसे स्प्लेंडर प्लस में चेंज आया है, सेम वैसे ही कुछ पार्ट्स यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस से शेयर कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये थोड़ा सा उभरा हुआ देखने को मिल रहा है ब्रेक पैड वाला ये हिस्सा, और यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दिया कंपनी ने इस चीज़ में, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो गई है। बाकी यहाँ पर ये जो है स्किड प्लेट भी आती है इसकी, साइलेंसर की ये प्लेट आती है, ये फिलहाल अभी गाड़ी शोरूम पे इसलिए नहीं लग रही है। बाकी यहाँ पर ये प्लेट लगती है क्रोम में, जो देखने में और बढ़िया लगने वाली है। बाकी ये अपने सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल है, अगर आप चाहें तो इसमें i3s भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर मीटर में चेंज नहीं किए हैं, हालांकि अभी ये शोरूम पे है तो बैटरी का कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये कुछ इंडिकेटर वगैरह का आपको नॉर्मल जो स्विच मिलते हैं वही मिल जाते हैं। और टैंक की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको E20 फ्यूल की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर देखिए पूरी पन्नी वन्नी लग के आती है इस प्रकार से गाड़ी में, यहाँ पर ये टैंक के ऊपर ये पन्नी लग के आती है ताकि कोई पेट्रोल डला के चलाने पाए इसे, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पर वाइजर के ऊपर इसमें कोई भी ग्राफिक्स आपको देखने में नहीं मिल रहे हैं, ऑल ब्लैक थीम मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको हीरो का लोगो मिल जाता है 3D में। बाकी यहाँ पर बात करें तो आगे भी आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया अपडेट कर दिया है कंपनी ने इस गाड़ी में, इस नए मॉडल में। यहाँ पर ये सारे ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाते हैं, IBS ब्रेकिंग मिलती है इसमें, ये अपने स्पीडो वायर हैं। और यहाँ पर इंजन सेम ही है 100cc वाला। बाकी यहाँ पर आपको बम्पर भी ब्लैक देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ कर दी है कंपनी ने। और यहाँ पर आप ग्राफिक्स देखेंगे हीरो, हालांकि ये अपने स्टिकर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर ये ग्राफिक्स कुछ इस प्रकार से जाते हुए टैंक के काउल तक जाते हैं पीछे साइड पैनल के ऊपर। बाकी यहाँ पर आपको ये मिल रहा है अपने 100cc वाला इंजन, जिसमें कि आपको 8 BHP की पावर और साथ ही 8 Nm का टॉर्क मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया इंजन है, ये भी रिफाइन है। और साथ ही एक और चीज़, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर मिल जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है सेफ्टी के हिसाब से। बाकी यहाँ पर ये जो है ये पैनल आपको प्लास्टिक का मिलता है, फाइबर का। बाकी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहानी रहने वाली है इस नए HF Deluxe के मॉडल की। बाकी आपको ये नया मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा एक शोरूम, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ आज की वीडियो में HF Deluxe के इस नए मॉडल के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।